राम नारायण सिंह, जिला ब्यूरो चीफ कैमूर। मैं अभी जो है भभुआ विधायक, पूर्व विधायक रामचंद्र यादव से जानना चाहेंगे और इनसे कुछ बिंदुओं पर पूछेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ईवीएम हटाने के सवाल पर पिस्टल उठाने की क्या जरूरत थी और क्यों, विधायक जी बताएंगे। क्योंकि जो है एक बार मामला पूरा देश स्तर पर चर्चा में आया था ईवीएम के सवाल पर, तो विधायक जी बताएंगे। देखिए, अभी कल भी माननीय बामन मिश्राम साहब के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा की आगाज हो रही है और कल कैमूर में हजारों हजार की संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर के ईवीएम हटाने के सवाल को लेकर के अपनी भावनाओं को रखने का काम। आज पिस्टल उठाने के हमें कोई शौक नहीं थी। मैं भी संविधान को जानता हूं, संविधान के दायरे में रहा हूं, संवैधानिक पद पर रहा हूं, मैं विधायक रहा हूं, वार्ड कमिश्नर रहा हूं, विधायक दल के नेता रहा हूं, प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं। मगर जिस लोकतंत्र पर हम भरोसा कर रहे हैं उस लोकतंत्र की डकैती ईवीएम के द्वारा की जा रही है, उस लोकतंत्र को चीर हरण ईवीएम के द्वारा किया जा रहा है, गरीब दलित शोषित पीड़ितों के हक और अधिकार ईवीएम के द्वारा लूटा जा रहा है। तो आप बताइए कि मैं अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए, मेरा कोई शौक नहीं था, मैं सिर्फ अपनी बात को देश और समाज के बीच, गांव गरीब के बीच पहुंचाने के लिए मैंने उस रास्ता को अख्तियार किया था। मेरा सोच, मैं कोई नियत मेरी बुरी नहीं थी, मेरा नियत स्पष्ट था। मुझे, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं कि मैं ऐसे बोलूंगा तो आप मेरी आवाज को पहुंचा देंगे। आप जानते हैं मोदी मीडिया मनुस्मृति और दगली ईवीएम का गठजोड़ है, मोदी मीडिया मनुस्मृति और चौथा में ईवीएम का गठजोड़, ये चारों के गठजोड़ के बल पर इस देश की व्यवस्था को, इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के गांव गरीब नौजवान किसान को लूटा जा रहा है। इसलिए मजबूर होकर के अपनी बात को पहुंचाने के लिए थोड़े देर के लिए मैंने उस रास्ता को अख्तियार किया था, मुझे कोई शौक नहीं। अच्छा, ठीक है। दूसरा सवाल मेरा है कि आप कभी बहुजन में, कभी सपा में, कभी राजद में, मतलब इसका क्या, मतलब राजनीति करने का क्या मैंने आपका सोच है? सर, पता नहीं क्यों मेरी किसी से बढ़िया से बन नहीं पाती। कथनी और करनी में लोग बहुत अंतर करते हैं, नेता लोग, आज के नेता, नेताओं के जो दोगली तेगली नीति है उस नीति से मैं बहुत मर्माहत हो रहा था। कभी कभी तो मन करता है कि अब राजनीति छोड़ करके बल्कि जनसेवा और कुछ और ही रास्ता अख्तियार करके आम आवाम के बीच में रहा जाए। जनता की सेवा, राजनीति का मतलब लोग समझने लगे हैं व्यवसाय, राजनीति का मतलब रिटर्न की उम्मीद करके लोग करते हैं। राजनीति में मेरी अपनी जो सोच है, मंच पर नेता लोग बोलते हैं सेवा समर्पण त्याग के भावना से राजनीति होनी चाहिए, पर सेवा कहां, सेवा है किस नेता के अंदर, कहां समर्पण है, कहां त्याग है, कहां लोग कुछ करना चाहते हैं। कहते हैं लोग मंच पर कुछ करते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ, ये सारी परिस्थिति को देखते हुए मजबूर हो करके मेरी ऐसी मजबूरी हो जाती है कि हम जो है मतलब जो उस रास्ते नेताओं के सिद्धांत और नीति के हिसाब से नहीं चल पाते। लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रिया में अपना हक और अधिकार सबका है, पर जनता के साथ
हमको नेता लोग दरकिनार कर सकता है, मगर जनता के दिलों पर आज भी कहीं ना कहीं से उम्मीद और विश्वास पर रामचंद्र यादव खर्रा उतरने का प्रयास करता है। और मुझे पार्टी से अब पार्टी से दल से नहीं, अब दिल के रिश्ते के तहत राजनीति करना है। और जनता हमारी नेता है, जनता मेरा दल है, आवाम मेरी पार्टी है, किसान नौजवान दबे कुचले शोषित पीड़ित ये फैसला करेंगे और इनके निर्णय के द्वारा मैं कहीं जाता हूं और जाता हूं। जो वहां होता है घटना घटित होती है मैं बताता हूं, ऐसा मेरे साथ हो रहा है। लोग बोलते हैं कोई बात नहीं हम आपके साथ, तो मैं जनता के साथ, लोग हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। अच्छा अच्छा, जनता के मतलब मांग पर ही वैसा आप जो है जिस तरह से होता है उस तरह से निर्णय लेते हैं? निश्चित, कहीं ना कहीं से लोग धोखा देते हैं। अच्छा, धोखा बर्दाश्त। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपको जो है विधायक बनाने में अधावरा पहाड़ की जनता की अहम भूमिका है, जो कि मतलब अधावरा पहाड़ के लिए वहाँ जो है 26 से 30 हजार आबादी है, वहाँ के लिए आपने क्या किया है विधायक बनने के बाद चाहे अभी भी? देखिए, अधावरा पहाड़ को मैं स्वर्ग नहीं दिया हूं, मगर किसी न किसी रूप में आज स्वर्ग जरूर दे दिया। आजादी के बाद अधावरा शब्द को मिनी चंबल के नाम से जाना जाता था। अधावरा पहाड़ के ऊपर कोई विधायक और नेता नहीं जाता था, अधावरा पहाड़ के ऊपर कोई एमपी और मंत्री नहीं जाता था। ये अधावरा के आम आवाम नौजवान किसान का मेहनत का फल रामचंद्र यादव और रामचंद्र यादव की जुबान सड़क से लेकर सदन तक अधावरा या धावरा करती रही, हमेशा या धावरा की बातें मैं करता रहा। केंदु पत्ता महुआ थ्यार बहेर्रा तिरौंजी ये सबकी बीड़ी पत्ता सबकी बातें मैं करता रहा, पंच सेंचुरी एक्ट की लड़ाई लड़ता रहा, रोड बिजली और पानी की लड़ाई लड़ता रहा। आज उसी का परिणाम है, 5 साल अधौरा की बात जो सदन में मैं रखा लीडर ऑफ असेंबली होने के नाते, आजादी के बाद हमसे पहले 14 विधायक बने थे और 14 विधायक और 14 बार अधौरा के बाद अगर रखा हो सदन के अंदर में सिर्फ 14 बार, तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। रामचंद्र यादव 164 बार अधौरा के बात किया है 5 साल, जिन दुगलों ने 70 साल के अंदर नहीं किया उसको मैं 5 साल के अंदर किया और अपने आवाज के दम पर सड़क से लेकर सदन तक उस लड़ाई को लड़ा। उसी का परिणाम है कागाधौरा में कहीं सौर ऊर्जा लगाया जा रहा है, कहीं पनबिजली की शोध हो रही है, कहीं रोड बनाया जा रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है। मंत्री और विधायक छोड़िए, मुख्यमंत्री तक जा रहे हैं, मंत्री तक जा रहे हैं, एमपी तक जा रहे हैं, रात रात भर रह रहे हैं, दिन दिन भर रह रहे हैं, शिविर लगा रहे हैं। तो एक नेता का नहीं, अधौरा का बेटा रामचंद्र यादव का देन है। रामचंद्र यादव से पहले जब मैं विधायक नहीं था तो वहां कोई अधौरा को मिनी चंबल कह करके लोग छाट देते थे, कोई घाट से ऊपर नहीं जाता था। ये है मेरा विकास का पैमाना और रामचंद्र का ही देन है। आज जो कुछ भी हो रहा है, जो भी दिखाई दे रहा है आंशिक रूप से वो रामचंद्र का देन है, आगे भी होगा, अभी तो शुरुआत है। तो मेरा तीसरा सवाल ये है कि बिहार सरकार शराब मुक्त और शौचालय मुक्त जो है मतलब घोषणा कर दिया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? हमको लगता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत है। आप दीजिए दीजिए, मैं बता रहा हूँ, इसलिए कह रहे हैं कि शौचालय युक्त और शराब मुक्त, मैं कह रहा हूँ उसके उल्टा होगा, शराब युक्त और शौचालय मुक्त बिहार।
आप शौचालय के नाम पर करोड़ों शौचालय आपने दिखा करके बिहार के अंदर बिहार के लोगों को लूटने का काम है। मोदी नीतीश के दोनों के दोगली राजनीति के तहत, दोनों के दोगली नीति के कारण बिचौलिए लोगों ने 12,000 रुपया तूने जो है मतलब शौचालय बनाने के लिए आपने दिया और बिचौलिए लोग 7,000 रुपया 8,000 रुपया 4,000 रुपया खा गए। 4,000 रुपया में कहीं शौचालय 5,000 में बनता है क्या? ये दिखा देंगे क्या पूरे बिहार के अंदर एक गांव को नीतीश और मोदी दिखा दे, एक गांव को जिसमें हर गांव हर घर में शौचालय हो, एक गांव को लोग दिखा दे। 8,747 पंचायत में से किसी पंचायत को ओडीएफ कर दिया ना आप, 405 प्रखंड है, किसी प्रखंड में से एक गांव को चयन कीजिए, इनकी दोगली हाँ एक चीज मिल जाएगा, हर गांव में हर घर में दारू का फ्रूटी का पैकेट जरूर मिल जाएगा, दारू का बोतल जरूर मिल जाएगा। और एक कहे तो मैं नीतीश कुमार के चार दीवारी के बगल से उठा करके दे दूंगा, उनके घर के बगल में उनके जहां पुलिस प्रशासन के लोग रहते हैं वहां पर दारू का बोतल मिलेगा आपको, मगर शौचालय हर घर में नहीं मिलेगा, दारू जरूर मिल जाएगा। ये गलत उनका उचित, इसलिए नीतीश की जो नीति है वो दोगली नीति है, तिगली नीति है। नीतीश के नीति ने इस बिहार के घर घर में पहले नीतीश ने दारू बेचवाने का काम, पहले घर घर में दारू बेचवाया और आज घर घर में जो है करे कि नहीं दारू बंद। यार घर में तो पहुंचाने का तुम काम किए हो, पानी पहले ऐसे बहा दिए अब उस पानी को ऐसे से ऐसे चढ़ा रहे हो यार, ओरी के पानी बड़े ही चढ़ता है क्या? हमने के भोजपुरी में गांव में कहावत है कि ओरी के पानी बड़े ही चढ़ी, आई ओरी के पानी बड़े ही चढ़ा रहा है आदमी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब अंत है इन लोगों का, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। नीतीश जब गुब्बारा फूल जाता है तो उसको फूटने का सिर्फ अंदेशा रहता है, आज जब फूटेगा गुब्बारा तो औकात पता नहीं चलेगी। घायल कवि ने कहा था कि कितने कमजर फे गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी बुलंदी पाकर अपनी औकात भूल जाते हैं। नीतीश रूपी गुब्बारा का समापन, राम नाम सत्य है, भाजपा करने जा रही। ठीक है, जो है अभी हमारा जो है पूर्व विधायक रामचंद्र यादव से वार्ता हुई, इसके लिए